गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सिक्स, बुक नेम, सब्जेक्ट नेम बाल रामायण, चैप्टर नाइन, राम और सुग्रीव। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमूक पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमूक पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋष्यमूक में वे निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमूक आना पड़ा। ऋष्यमूक आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋष्यमूक छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ बियाधम का है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर के पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना ने ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके और थकान मिटाने लगे। मुंह हाथ धोने तभी वेश बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका वेश मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि वे कबंध और सबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा करके ले गया, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं हैं। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋष्यमूक के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया, बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे।
सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए, कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुख से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। नेक्स्ट पेज पे सका, मेरा पौरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह साल के साथ वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के सातों विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो, किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए, युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा, जब तुम संकट पर आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही, वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, सुग्रीव लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ पर था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचा करके भागा, सीधा ऋषिमुख पर्वत आकर के रुका। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था, वह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।